कोविड-19 संकट के बीच बॉलीवुड हस्तियां लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रही हैं। हाल ही में सिंगर सोनू निगम एक इवेंट में वरिष्ठ नागरिकों के बीच राशन किट बांटते नजर आए। अच्छा व्यक्तींना सोनू निगम साहेब यांच्या शुभ हस्ते आज विधानसभेच्या अध्यक्ष एकलव्य फाउंडेशनच्या अध्यक्ष सृष्टी बाळा नांदगावकर यांच्या माध्यमातून हे धान्य वाटप करण्यात येत आहे। साहेब वाढदिवस जणू काही आज आपलाच आहे। उद्याचा वाढदिवस आजचा भाईकाळ विधानसभा आज इथे साजरा करीत आहे। सर्व नागरिकांना विनंती, मी कार्यकर्त्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती करतो की आपण कृपया करून घाई गडबड करू नका। मीटिंग मध्ये जसं आयोजित केलेलं आहे तसंच आपण सगळ्यांनी जबाबदारीने काम करा जेणेकरून कार्यक्रम व्यवस्थित होईल। धन्यवाद। खाली उतरून धन्यवाद मी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते सन्माननीय बाळानंदो। मीडिया से बातचीत के दौरान सोनू ने कहा, ये सब मिलके यहाँ पे ऐसा काम कर रहे हैं, मैं तो उसमें थोड़ा शरीक हुआ हूँ। बाला साहब नांदगावकर जी, रीटा जी, इनकी बेटी हैं सृष्टि, एकलव्य फाउंडेशन, ये सब मिलके अन्नदान कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इससे बड़ा दान क्या होगा। अभी आपने देखा एक उम्रदार महिला, उनको दिया कुछ तो वो मेरे पैर पड़ गए हैं। आप समझ सकते हैं कि अन्न किसी इंसान को क्या कर देता है। फिर मैं उनके झुके, मैंने उनके पैर पड़े तो मुझे, मेरे आंखों में आंसू आ गए उस समय कि एक इंसान इस उम्र में मेरे पैर पड़ रहे हैं। तो मतलब अन्न, ये जो काम कर रहे हैं ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं कि अन्नदान लोगों को कर रहे हैं जिनके घरों में इस समय कोरोना चल रहा है। ऑब्वियसली हर कोई हमारे जैसे हम लोग स्टेबल हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके घरों में काम, हमारे पास भी ऑनेस्टली हमारे पास काम नहीं है, लेकिन कुछ है पहले। अब किसी घर में चूल्हा नहीं जल रहा, घर में काम नहीं हो रहा, डेली वेज वर्कर्स हैं, उनको ये सब मिल रहा है, तो मैं उसका शरीक हुआ, मुझे बहुत ही खुशी है। INS रिपोर्ट।